दोस्तों आज की इस दुनिया में टेक्नोलॉजी हवा की तरह फैल चुकी है। आजकल सारा काम इंटरनेट के जरिए होने लगा है। पहले की तरह हम और आप लाइन में खड़ा होना पसंद नहीं करते, मिनटों के अंदर हम अपना काम इंटरनेट के जरिए कर लेते हैं। लेकिन इंटरनेट की एक बहुत ही बड़ी डार्क साइड भी है, मालवेयर। दुनिया में बहुत से ऐसे खतरनाक कंप्यूटर वायरस आए जिनसे बहुत सारे देशों के कंपनियों को करोड़ों का नुकसान हुआ। इन कंप्यूटर वायरस को पकड़ना बहुत ही मुश्किल भरा काम होता था। हालांकि काफी मशक्कत के बाद उस कंप्यूटर वायरस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। लेकिन आज हम जिन कंप्यूटर वायरस के बारे में बताने वाला हूँ, इसका तबाही का अंदाजा आप भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इस कंप्यूटर वायरस की वजह से बीमा कंपनी, बैंक, यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि हॉस्पिटल के सभी बड़ी एक्सरे मशीन को कई घंटों तक बंद कर दिया था। इस वायरस को बनाने वाला 18 साल का एक स्टूडेंट ही था। वीडियो काफी धमाकेदार होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे बनाए गए बाकी वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद बाकी वीडियो पर भी एक नजर देख लेना, गारंटी है बहुत कुछ सीख कर जाओगे। सेसर कंप्यूटर वायरस को साल 2004 में खोजा गया था। ये वायरस इतने खतरनाक थे जो विंडोज एक्सपी, विंडोज 2000 जैसे एमएस ऑपरेटिंग सिस्टम को निशाना बनाता। सेसर वायरस बहुत ही आसानी से नेटवर्क पोर्ट का उपयोग करके डेटा भेजता जो कि बड़ी संख्या में कंप्यूटर में तेजी से फैल जाता। ये वायरस कंप्यूटर में फैलते ही सबसे पहले TCP पोर्ट 445 पर हमला करता। हालांकि कुछ माइक्रोसॉफ्ट यूजर का मानना ये भी था कि सेसर वायरस TCP पोर्ट यानी कि 139 पर हमला कर सकता है। ये वायरस बहुत ही तेजी के साथ दूसरे कंप्यूटर में भी फैल रहा था। सेसर वायरस ने 3 वेरिएंट को जन्म दिया था, सेसर बी, सेसर सी एंड सेसर डी, जो कि कुछ ही दिनों के भीतर सामने आया था। सेसर वायरस का प्रभाव। सेसर वायरस ने डेल्टा एयरलाइंस को कई ट्रांस अटलांटिक उड़ानें रद्द करने के लिए मजबूर कर दिया था। नॉर्डिक सेम्पू बैंक इफ और उसके फिनिश मालिक सेम्पू बैंक ने फिनलैंड में 130 कार्यालय बंद कर दिए। लूड यूनिवर्सिटी अस्पताल की सभी बड़ी एक्सरे मशीन कई घंटों तक बंद रहा, जिस वजह से इमरजेंसी रोगियों को नजदीकी अस्पताल में भेजना पड़ा। मिसौरी विश्वविद्यालय को अपने नेटवर्क को इंटरनेट से बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ब्रिटिश कोस्ट गार्ड ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक मैपिंग सेवा को घंटों तक बंद करना पड़ा। सेसर वायरस को किसने बनाया और उसका क्या हुआ? इस वायरस को जर्मन कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट स्वेन जस्टन ने बनाया था, जबकि उस समय उसकी उम्र महज 18 साल ही था। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा $2.5 लाख का इनाम रखा गया उसे पकड़ने के लिए। हालांकि काफी मशक्कत के बाद उसे 7 मई 2004 को गिरफ्तार कर लिया गया। यहां तक ही नहीं, जब स्वेन के दोस्तों से भी पूछा गया तब उसके दोस्त ने खुलासा किया न केवल सेसल बल्कि नेटस्की वायरस भी बनाया था। तो दोस्तों बाकी आज का हमारा ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर शेयर करना। और अगला वीडियो आप सभी को किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, हम बहुत जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे।